Sonam is absolutely incredible in this movie. Incredible. Truly an empowering story. Everyone in this country should go and watch. It's really a special movie on a special person. Very, very heart moving. I was extremely moved. I don't want to talk about it. It's a beautiful film. मुझे लगता है वो अपने आप को पूरी तरह establish कर पाएंगी as a very good actor. Actually मैंने ये film कुछ महीने पहले देखी थी क्योंकि राम जो हैं जो director हैं इस film के मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं तो उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई थी और मुझे उस वक्त ही बहुत ही पसंद आई थी. एक तो ये एक ट्रू स्टोरी है. ये एक ऐसा हादसा हुआ है जो सच में हुआ है और जिस किरदार पे ये फिल्म बेस्ड है वो एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल हालात में इतनी बहादुरी दिखाई. तो ये बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म लगी मुझे. आई फाउंड इट अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म. It's a film about bravery. It's a film about fighting with your fears. क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब हाईजैक हो जाए आपका प्लेन और आतंकवादी आपके सामने खड़े हों तो जाहिर है इंसान को डर लगता है लेकिन उस डर के साथ आप लड़ते हैं और किस तरह आप उसको उस डर को ओवरकम करते हैं ये उसकी कहानी है और ये सच्ची घटना है. तो उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. एक लड़की ने इतनी बहादुरी दिखाई उससे हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है. सोनम का काम बहुत ही बढ़िया काम किया है सोनम ने. आई थिंक ये उनके करियर वैसे तो अभी उन्होंने शुरुआत की एज एन एक्टर लेकिन ये उनके करियर का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है. इस फिल्म से मुझे लगता है वो अपने आप को पूरी तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगी एज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें शबाना जी का काम. बहुत ही बेहतरीन काम किया है शबाना जी ने. मतलब वैसे मैं तो जल्दी रोता हूँ लेकिन इस फिल्म को देख के जो फिल्म का जो आखिर का पोर्शन है उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. तो बहुत ही अच्छी फिल्म है. मुझे लगता है बहुत कामयाब होगी. मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं टीम के साथ राम के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. दिस फिल्म इज आउटस्टैंडिंग. आई एम सो इंस्पायर्ड. सोनम इज इनक्रेडिबल इन दिस फिल्म. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर द क्रू कास्ट द टेक्नीशियंस हाउ दे मेड दिस फिल्म. इट्स इनक्रेडिबल. इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. It's big time. I can't remember the last time I cried so much in a film. It's really emotional, man. Really hits you. Incredible film. Ram Madhvani has done a fantastic job. Shabana Azmi, my God. Salute her, yeah. Sonam is absolutely incredible in this film. Incredible. बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर है और सब रोए हैं एंड में लेकिन एक एलिवेटिंग क्राई था और बहुत ही बहादुर लड़की की बहादुर कहानी है ये. नीरजा मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसे बायोपिक्स देखी हैं लेकिन बहुत कम दिल को छू जाती हैं और नीरजा ऐसी फिल्म है. सोनम कपूर की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है. कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं इस फिल्म में. शबाना आजमी हु आई थिंक इज़ अ लेजेंड और इस फिल्म में वो तय कर दिया है कि उनसे बेहतरीन अभिनेत्री इस देश में नहीं है. एंड सोनम कपूर हैज़ डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. मैं हर माँ और हर बेटी को कहूँगा कि वो जाके इस पिक्चर को देखे. तो वाकई इट्स ट्रूली एन एम्पावरिंग स्टोरी. ऑल द बेस्ट. ऑब्वियसली ऐसी अमेजिंग मूवी देखने के बाद ज़्यादा बात करने का मन होता नहीं है. मैं यही कहूँगा कि फ्राइडे को ये पिक्चर रिलीज हो रही है एंड आई थिंक एवरीवन इन दिस कंट्री शुड गो एंड वॉच. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड इट्स वेरी वेल मेड एंड बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. बहुत अच्छी कहानी है. सच्ची कहानी है. प्लीज़ इसे जाइए और देखिए. ट्रूली अ स्पेशल मूवी. What a brave heart Nirja was and a real hero. So I'm very happy that Atul and his team they got together and thought of this idea. It's really a special movie on a special person. So something that people should definitely watch. Very good. I think it's true story and I think Nirja is a true Indian hero. So I mean thank you to Atul, Sonam, Shabana Azmi, great performances. I think thank you for reminding us that these kind of heroes live forever in our heart and who made our country proud and someone who's been very brave. I've always thought about others' lives than their own, so very touched. Nirja ne bole bahut acha. In fact real life incident se ye inspired hai. In fact Nirja ki film hai jo Nirja Bhanot. In fact main unko unki family ko achhe se janta hu Chandigarh se and ye kahani kafi pehle banni chahiye. Aaj need of the hour ye hai ki kahani banni chahiye, sabko pata lagni chahiye. Waise bhi mujhe lagta hai ki male heroes zyada hai, female heroes kam hai and this will highlight female heroes. Bas aap film dekhiye. Main jitne bhi mere कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो
जो बहुत ही इंस्पायर करती है। और ये मैंने पहली फिल्म, पहले जब फिल्म बन रही थी तभी देख ली थी मैंने फिल्म, और जब मैंने फिल्म देखी थी पहले तो जब से मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना, स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लगा, फिर फिल्म देखी और अब बन गई है, और जब भी मैं देखता गया बेहतर होती गई, बेहतर हो गई, और अब ऐसी फिल्म बनी है कि मैं खुद देखकर इतना खुश हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। रिस्पॉन्स टू व्हाट द प्रोमो और द प्रीव्यूज? प्रीव्यूज रिस्पॉन्स हैज बीन फैंटास्टिक टिल नाउ। हमने देखा है कि ट्विटर पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट भी किया है जिन्होंने फिल्म देखी है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ ऑनेस्टली लोग जब करें तब उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो बहुत ऑनेस्टी में ये फिल्म बनी है, बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई है, और पूरी टीम जो निर्जा की पूरी टीम है, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द असिस्टेंट डायरेक्टर टू एवरी सिंगल पर्सन अटैच टू दिस फिल्म, द कास्ट, द परफॉर्मेंसेज, एवरी बहुत उमदा परफॉर्मेंस है सबकी। So I think I'm very fortunate to be a part of this film. मैं ऑलरेडी शो देख चुकी हूँ और एज यू कैन सी मेरी आईज पूरी रोई हुई है। आई थिंक इट्स बाय फार वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन। मतलब जब स्क्रीनिंग चल रही थी आप सिर्फ रोने की आवाज़ सुन सक रहे हो, या सो इट्स वेरी वेरी हार्ट मूविंग एंड I just don't have words to describe it. Beautiful. मुझे फिल्म की लेख, द वे इट्स रिटन, स्क्रीन प्ले स्पेशली, और जिस तरीके से फिल्म लिखी गई है बहुत अमेजिंग है। साइवन ने मैरी कॉम लिखी थी, उसमें उसने आई मीन ही वॉज अ डेब्यू राइटर, एंड ये उसकी सेकेंड फिल्म है। आई जस्ट वॉन्ट टू आई मीन हैट्स ऑफ टू द होल टीम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी फ्रेंड्स और ये फिल्म देखने। मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल फिल्म लगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये सोनम के बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से होगा। सो आई विश हर एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इनकी लेटेस्ट स्क्रीनिंग के लिए आई हूँ, सो आई थिंक फिल्म देखने के बाद बोलूंगी, बट आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट फिल्म। जी, प्रोमो देखिए, जो मैंने पहला ट्रेलर भी देखा था, आई वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। आई थिंक द सब्जेक्ट इज फैंटास्टिक, एंड आज के ज़माने में ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि हमें स्पेशली जो हमारे यंगर जनरेशन है, वी शुड नो व्हाट पीपल इन द पास्ट हैव डन फॉर अस। एंड वो एक ऑर्डिनरी लड़की थी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इतने लोगों की जान बचाई, तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट हैड टू बी टोल्ड, एंड आई एम ग्लैड सोनम इज डूइंग इट, एंड आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड। मैं निर्जा को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी फॉर सोनम, एंड माई डियर फ्रेंड्स अनिल कपूर, सुनीता कपूर, अतुल कसबेकर, आई एम हियरिंग फैबुलस रिपोर्ट्स अबाउट द फिल्म, और मैं तो थिएटर में जाके देखने वाली हूँ आज। मैं फिर बेस्ट ऑफ लक, एंड आई हैव कम टू गिव माई गुड विशेज। सॉरी, I'm just very moved. I don't want to talk about it. It's a beautiful film, and I don't need to talk about it. It's such a beautiful film. Just guys, stop doing this and go see it. Just. जब 2016 शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा जो चाह होती है ना कि कौन-कौन सी फिल्में आ रही हैं, हम तो फिल्म बनाते ही हैं, तो उसमें से कौन सी देखने का मन था, तो नीरजा देखने की बहुत लालसा थी। कई इसके रीजंस हैं, मतलब अगर गिनाने चाहें तो मतलब बहुत रीजंस हैं। पहला तो ये कि नीरजा की कहानी कुछ ऐसी है, तो जब हम बड़े हो रहे थे तभी ये घटना थी हमारे कॉलेज के टाइम की, और बहुत ही इंस्पायरिंग बात थी कि एक ट्रू लाइफ हीरो जिसके बारे में, जिसको देखते सुनते हम बड़े हुए हैं, जिसके बारे में सुन के बड़े हुए, उसके ऊपर फिल्म बनाने बनाई जा रही है और बनाई गई है, और आज पर्दे पे आ रही है, हम सबको देखने को मिलेगी, तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। आई लव द ट्रेलर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। आई रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ राम अडवाणी, आई लव दिस फर्स्ट फिल्म Let's talk, and I love his work, his commercial work as well. So I'm really looking forward to seeing his work, and the trailer looks amazing, and he shot it in a particular way. So I'm really curious to see the craft, and I'm excited for Sonam and for Shabana mainly. I have very high expectations from the film because director is coming back after a very long time.
मैंने सुना है सोनम ने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच। इनकी फिल्म आ रही है, बहुत ही आपसे भी विचार विमर्श किया कि नहीं उस फिल्म को साइन करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ स्टोरी दैट हैज टू बी टोल्ड, शुड बी टोल्ड इन टुडेज टाइम। इट्स सो रेलेवेंट टू चेंज एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ। And I'm very proud that he's a part of this film. अच्छा, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। मैं बहुत रो रही थी फिल्म के बीच में। I really hope this film does well. It has such good intention. फिल्म की नीयत बहुत अच्छा है। And I'm just hoping it does well. And I want everybody to go watch this film because it's such an amazing film. And I'm actually breathless. So मैं बाहर सांस ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। And it's just an amazing film. And please, everyone, please go watch this film. Oh, Sonam is a surprise package. उसने बहुत अच्छा काम किया. I think in a long time, I've been like first time I've seen Sonam in such a avatar. She's performed so well. Actually, when you watch the film, you forget you're watching Sonam. It's almost like you're watching Nirja, and that's what I think will be the best part of the film. Everybody's done so well. Sabne acha kaam kiya. The supporting cast is amazing. The direction's fantastic. And abhi meri face makeup bahut kharab ho gaya because I was crying. But please go watch this film. Thank you. You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip. Don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.